आज हम दुआने के बीजों को लगाएंगे, मतलब वाटरमेलन को, दुआना वाटरमेलन और इसे क्या कहते हैं तरबूज। तो इसकी सीडलिंग करने वाले टाइम देखेंगे, मट्टी देखेंगे किस किस्म की होनी चाहिए और इसका सीजन कौन सा है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। अगर आप भाई के चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस मिलेंगी जिससे आपके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा होगा कि आप भी अपने घर के अंदर किचन गार्डनिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आज की तारीख देख लेते हैं जब इसकी मैं सीडलिंग करने लगा हूं। आज 8 फरवरी है, 2023 है। इसका सीजन की बात कर लेते हैं कि इसका सीजन कौन सा है। तरबूज के बीजों को आप जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर, इन तीन मंथ के अंदर आप इजीली इनकी सीडलिंग को लगा सकते हैं, पनीरी बना सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो किसान लोग जो होते हैं वो इनको डायरेक्ट लगाते हैं। अगर आप घर के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो आप इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने पनीरी के लिए ये ग्लासेस ले ली हैं। इस ग्लासेस के अंदर मैंने मटेरियल कौन सा डाला है, ये मटेरियल मैंने बास्केट के अंदर तैयार करके रखा हुआ है। ये देखें, इसके अंदर मैंने मिक्स क्या किया है, इसके अंदर मिक्स किया हुआ है हमने ये राख इस्तेमाल की है और यहाँ पे कोकोपीट और पीट मॉस, ये मेरे पास मिक्स पड़ा हुआ था तो ये मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने की रेशो क्या रखी है, मैंने मट्टी मैंने ले ली है 40-50% मैंने मट्टी ले ली है, 10% कोकोपीट, 10% पीट मॉस और 10% के करीब ये जो राख है हमारी, ये मैंने इस्तेमाल कर ली है। एक भाई का सवाल आया हुआ था कि राख कहाँ से मिलेगी। राख आपको खुद तैयार करना पड़ती है, पत्तों की बना लें, कोलों की बना लें, जो चारकोल होते हैं उनको पीस कर उसकी राख की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिट होती है आपके प्लांट के लिए। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कार्बन होता है और फॉस्फोरस होता है जो आपके प्लांट्स के लिए बेहतरीन है। और इसके बाकी फायदे क्या हैं, बाकी फायदे ये हैं कि मट्टी के अंदर कोई फंगल अटैक नहीं होने देता, जड़ों की कोई बीमारी नहीं ये राख लगने देती। देखा एक राख और कितने ज्यादा इसके फायदे हैं। तो ये मैंने इनके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से ये मटेरियल बना लिया था। ये देख, अब मैंने इस मटेरियल को, ये मेरे पास सीडलिंग ग्लास थे तो इसके अंदर मैंने यूं भर लिया था। ये देख इस तरीके से, ये सीडलिंग ग्लास आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, दराज से भी मिल जाएंगे, अमेजोन से भी मिल जाएंगे, आप जहां मर्जी से आप ऑनलाइन इनको ले सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल मंडी है वहां पे सीज वाली दुकानें हैं, वहां से आपको ग्लासेस मिल सकते हैं इजीली। इनको सीडलिंग ग्लास बोलते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। अभी हम आ गए अपने ग्लासेस की तरफ। अब इनके बीजों को लगाने का तरीका कर देखते हैं। ये हमारे पास बीज आ गए और बीज के ऊपर ये जो कलरफुल केमिकल लगा हुआ है ये इसलिए लगाया जाता है के बीज को कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। फंगस लग जाती है तो उसकी वजह से हमारे बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी मट्टी के अंदर हम राख इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आपके बीजों के ऊपर ये मेडिसिन नहीं भी लगी हुई तो आप राख इस्तेमाल कर लें, वो यही काम करेगी। राख ऑर्गेनिक तरीका है और ये केमिकल वाला तरीका है। एक एक बीज को मैं एक एक ग्लास के अंदर रखता जाऊंगा। वैसे मुझे दो दो बीज रखने चाहिए, वो इस वजह से दो दो रखते हैं ताकि अगर एक जर्मिनेट ना हुआ तो इंशाल्लाह दूसरा हो जाएगा और बाद टाइम दोनों हो जाते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम ना एक एक ही रखते हैं, फिर क्या हुआ नहीं जर्मिनेट होता ना हो, लेकिन इंशाल्लाह ये सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएंगे। क्योंकि दो दो जो पौधे होंगे फिर उनमें से एक पौधे को हमें जाया करना पड़ता है। जो बेल वाली जितनी भी सब्जियां फल, इनकी जड़ों को आपने हवा नहीं लगने देनी होती, वो इस वजह से ताकि ये अपनी ग्रोथ वहीं से आगे बढ़ा सकें। तो ये ग्लास में जो इसकी मट्टी होगी वो हम बड़ी जगह पे रख के पौधा लगा सकते हैं। अगर दो पौधे लगाएंगे तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, सारी जड़ें इस मटेरियल से बाहर आ जाएंगी। जो छोटी मोटी जड़ें होती हैं वाइट कलर की, वो तो अक्सर नीचे आपको पौध के पैंदे में दिखाई दे रही होती हैं, वो होती हैं बेसिकली फीडर रूट। उनका कोई इतना इशू नहीं होता, वो पौधा दोबारा से फिर से बना लेता है। अब हम इन बीजों को कवर करेंगे, लेकिन बीजों को कवर करने के लिए हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल फाइन मट्टी मैंने तैयार की हुई है। इसके अंदर कोई रोड़ा कंकड़ वंकड़ कुछ भी नहीं है। इसको मैंने तैयार कैसे किया है, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, बहुत जबरदस्त वीडियो है, तो वो एक काइंडली आप मेहनत करके वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक ये आई बटन पे भी आ रहा है और वीडियो के एंड पर भी आपको मिल जाएगा। ये मट्टी किस तरीके से तैयार की जाती है सीडलिंग के लिए, इसका फायदा ये होता है कि बिल्कुल हल्की मट्टी मैंने ये फाइन तैयार कर ली है। बीज को यहाँ से उगने में बहुत ईजी रहता है, बहुत आसान रहता है। अब हम कवर करेंगे। कवर करते वक्त बहुत सारे दोस्त ये गलती कर जाते हैं कि बीज के ऊपर मट्टी बहुत ज्यादा डाल देते हैं और बीज हमारा
बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, बेचारा दफन हो जाता है। आपने बीज के ऊपर मट्टी कितनी डालनी होती है, बीज की जितनी मोटाई हो उससे 2 टाइम मट्टी आप ऊपर डालेंगे। बस ये आपने इस बात को याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आप हर किस्म की सब्जी के बीजों को इजीली अपने घर के अंदर लगा सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो करेले के बीज, लौकी के बीज, टींडे के बीज, ये हार्ड देसी टींडे के जो बीज होते हैं, ये बेसिकली हार्ड सीड्स होते हैं, तो इनको आप 3 टाइम मट्टी ऊपर डालेंगे। 3 टाइम मट्टी इसलिए ऊपर डालते हैं ताकि मट्टी के अंदर नमी अच्छी खासी उन बीजों को मिलती रहे, उनको नमी मिलेगी तो वो जल्दी जर्मिनेट होंगे। अगर वो इतनी अच्छी नमी नहीं मिलेगी तो ये जो हार्ड बीज होते हैं ये जल्दी से उगते भी नहीं है, मट्टी के अंदर ही रहते हैं और काफी टाइम ले जाते हैं, बाद टाइम तो 20 से 25 दिन ले जाते हैं बीज से पौधा बाहर निकलते निकलते। इसलिए इन बातों का हमें ख्याल रखना होता है, उनको नमी वगैरह हार्ड बीजों को जितनी मिलेगी वो उतनी जल्दी जर्मिनेट होंगी। पानी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शावर की मदद से आपने फर्स्ट टाइम पानी देना है, फिर इससे बड़े शावर से आप दे सकते हैं। पानी आपने उंडेल के नहीं देना, जब आपको लगे कि आपकी मट्टी ऊपर बिल्कुल उसकी तह बन गई है तो फिर आप नीचे हाथ रख के ऊपर हाथ के पानी डालेंगे तो वो खुद ब खुद डल जाएगा पानी, उससे मट्टी आपकी खराब नहीं होगी। तो पहली दफ़ा आपने इस तरीके से शावर से पानी देना है। तो ये शावर आप इजीली बना सकते हैं अपने घर के अंदर, 1.5 लीटर बोतल के कैप के ऊपर सुई की मदद से होल कर लें। इसको हम पानी कितना देंगे, पानी जब आपको लगे कि हल्की नमी रह गई है तो फिर से आपने शावरिंग कर देनी है। बिल्कुल आपने गीला भी नहीं रखना और इसको ड्राई भी नहीं होने देना, बिल्कुल गीला रखेंगे बीज गल जाएगा। अगर ड्राई बार बार होएगा तो बीज जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, बहुत देर बाद उगना शुरू होंगे आपके बीज। हमारी सीडलिंग हो चुकी है, अब आपने इसको रखना उस जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। खासतौर पर हमें फरवरी में लगा रहे हैं तो फरवरी के पूरे मंथ में हमें सूरज की रोशनी लाजमी चाहिए। और दूसरा, रात के टाइम आपने इसको प्लास्टिक पेपर से कवर करना है, दिन के टाइम प्लास्टिक पेपर उठा देना है और शाम असर से पहले पहले आपने प्लास्टिक पेपर ऊपर दोबारा से डाल देना है। ये इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक पेपर से। ये होता है कि जो असर की धूप होती है उसकी हीट इसके अंदर चली जाती है और सारी रात हीट आपके बीजों के लिए वो काफ़ी होती है, उससे ये होता है कि बीज आपके जल्दी से उगना शुरू हो जाते हैं। तो दिन के टाइम आप प्लास्टिक पेपर को साइड पे कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।